महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर इलाके का एक वीडियो वायरल है। इसमें एक विधायक दो व्यक्तियों पर बुरी तरह बिफर रही हैं। नीली शर्ट पहना व्यक्ति सिर झुकाए विधायक की बातें सुनता रहता है। इसी बीच उसकी बगल में चेक शर्ट पहने खड़ा दूसरा व्यक्ति कुछ कहता है, जिस पर विधायक और भड़क जाती हैं। वो उसका गिरेबान खींचकर उसे थप्पड़ जड़ देती हैं। वीडियो में दिख रही विधायक का नाम है गीता जैन और जिसे उन्होंने थप्पड़ मारा वो स्थानीय नगर पालिका का जूनियर इंजीनियर बताया जा रहा है। गीता जैन किसी पार्टी के विधायक नहीं है। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन एकनाथ शिंदे सरकार की समर्थक वो बताई जाती हैं। आज तक से जुड़े संवाददाता दीपेश त्रिपाठी की रिपोर्ट के मुताबिक गीता जैन दो लोगों पर भड़की, वे मीरा भाईंदर नगर पालिका के कर्मचारी हैं। गीता जैन ने जिस व्यक्ति को थप्पड़ जड़ा वो नगर पालिका का इंजीनियर बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये लोग कथित रूप से बिना नोटिस के लोगों के घर तोड़ने पहुंचे थे। इसी बात पर गुस्से में आकर विधायक गीता जैन ने इंजीनियर पर थप्पड़ जड़ दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। रिपोर्ट के मुताबिक बारिश आने से ठीक पहले मीरा भाईंदर महानगर पालिका में बिना नोटिस दिए लोगों के घर तोड़ने की कार्रवाई की जा रही थी। अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने जबरन लोगों को घर से बाहर करके उनके घर तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी थी। लोगों ने इसकी जानकारी स्थानीय विधायक गीता जैन को दी। वो जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने कार्रवाई कर रहे इंजीनियर से घर तोड़े जाने की जानकारी मांगी, लेकिन इंजीनियर से कोई भी जवाब नहीं मिला। इस बीच उसके साथ खड़ा व्यक्ति मंद मंद मुस्कुराता दिखा तो गीता जैन का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया और उन्होंने इस चेक शर्ट वाले कर्मचारी का गिरेबान पकड़ कर खींचा और उसे चाटा मार दिया। वहाँ मौजूद एक व्यक्ति इस वाक्य का वीडियो बना रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक थप्पड़ मारते हुए कैमरा पर कैद हुई गीता जैन को भी ये कहते सुना गया, होने दो वीडियो रिकॉर्ड। वीडियो वायरल होने के बाद घटना पर गीता जैन की सफाई आई है। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर उन्होंने ये सफाई पोस्ट की है। इसमें उन्होंने कहा, देखिए 45 सालों से जो परिवार वहां रह रहा था उनका घर 3 मिनट के अंदर जाके तोड़ना, और वो भी कायदे के बाहर, क्योंकि आपको बारिश में यानी 1 जून के बाद रहते घर तोड़ने की अनुमति नहीं है, वो अनाधिकृत हो तो भी, जबकि ये घर तो अनाधिकृत नहीं था। कोई नोटिस नहीं, कोई पूर्व सूचना नहीं। 15 तारीख को जब मैंने कहा कि जो पीछे उन्होंने बाथरूम बनाया वो तोड़ देंगे, उन्होंने कबूल किया है, वो कार्य उन्होंने चालू भी किया था, उसके बावजूद एक आधी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कुछ बना है उसको खाली कराने का हमारे इस जेई को इतनी उमंग थी कि उन्होंने तुरंत 16 को वो कार्रवाई की, 15 को ना बोलने के बावजूद, ये कायदा बताने के बावजूद 16 को जाके उन्होंने ये कार्रवाई की। और ऊपर से जब वो महिला रो रही है तो उनपे ये आदमी खड़ा हुआ वहां हंस रहा है। अब बोलिए कौन सहन कर सकता है। आगे गीता जैन ने माना कि उन्होंने निश्चित ही कानून का उल्लंघन किया है, लेकिन उनके लिए जनता सबसे पहले आती है। विधायक का कहना है कि जनता पर होने वाले अत्याचार वो सहन नहीं कर सकती, इसलिए घटना जनता के सामने है। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई हमारे साथी प्रशांत ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।